वैभव संगठन के 17 साल पूरे होने पर संगठन की संस्थापक रेखा झिंगन ने द्वारका के पैसिफिक मॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। हम आपको बता दें कि आखिरकार सहज संभव संगठन काम क्या करता है, तो आपको भी जानकर हैरानी होगी कि सहज संभव एक स्वैच्छिक संगठन है जो पिछले 17 वर्षों से समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में वही महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के उत्थान और समुदाय के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहा है। सहज संभव संगठन पिछले 5 साल से नशा मुक्ति आंदोलन के लिए भी काम कर रहा है। संगठन द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए भी एक वास केंद्र चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से परिवार के सदस्य को परामर्श भी प्रदान किया जाता है। इस भव्य आयोजन में चीफ गेस्ट के रूप में पद्मिनी और स्पेशल गेस्ट सरबजीत कौर रहीं। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर और भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग संध्या सिंह, प्रीति सिंह, वीपी सिंह, अशीमा भाटिया, वीरेंद्र सिंह, आशु बजाज, आचार्य अरविंद, सतपाल भटूरा, मगलीन मरीन, ऋषि कुमार शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। सभी अतिथियों और समाज में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को सहज संभव के 17 साल पूरे होने का मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नृत्य गायन का आयोजन हुआ, जिसे देखकर कार्यक्रम में आई महिलाओं ने काफी आनंद उठाया। इसी बीच कार्यक्रम के आयोजन में तिब्बत से आई मेहमान ने संगठन के सभी सदस्य को तिब्बती पटका उड़ाकर तथा एक पुस्तक भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से नशा मुक्ति के लिए अपील भी की गई। वही कार्यक्रम में भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा देश में चलाई जा रही सबसे बड़ी मुहिम चीन से तिब्बत की आजादी और कैलाश मानसरोवर की आजादी को लेकर भी अपील की गई। शशि जैन, रेखा जिंगन, प्रोमिला मलिक, अंकिता त्रिखा, शिवानी, आकांक्षा, प्रीति, रोमिला, चित्रा जैन, मंजुला, संगीता मलिक आदि सभी टीम मेंबर का कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा। जर्नी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये एक मेरे लिए तो तपस्या है, क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया था सिर्फ एक विल पावर और एक हिम्मत के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। तो आज की डेट में ये 17 साल लगता है कि एक बहुत बड़ा टाइम है। 17 सालों में जो भी किया, गट लेवल से किया, समाज के लिए किया, अपने लिए किया, क्योंकि मैं एक सफर थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं समाज के लिए पूरी तरह समर्पित थी, मुझे मैं अपने लिए भी समर्पित थी, क्योंकि मैंने अपने लिए भी किया और इस जर्नी को आगे बढ़ते हुए। लेकिन अब मैं 2018 से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मिशन ऑन व्हील्स। हम लोगों ने पूरे भारत में यात्रा कर करके ये जो नशा मुक्ति का जन जागरण अभियान छेड़ा है, इसका जो एक ध्येय है वो मेरी सारी फ्रेंड्स को जाता है, टीम को जाता है, सहज संभव की हम लोग पहले चरण में। मेरा नाम संध्या सिंह है, मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ उत्तर क्षेत्रीय। तो आज मुझे रेखा मैम ने यहाँ बुलाया। रेखा मैम, प्रोमिला जी, सहज संभव का 17 ईयर्स हो गए और मैं हर साल इनकी एनिवर्सरी जो होती है इसमें आती हूँ। हर बार मैं देखती हूँ कि वो कई महिलाओं को पुरस्कार देती हैं और उनको मतलब उनको इस तरह से उनके कामों को बताना लोगों को कि वो कितना अच्छा, इससे ना जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाह रही हैं वो अपने क्षेत्र में मोटिवेट होती हैं कि वो किस तरह से करना है। और सबसे बड़ी बात है 17 सालों से उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके इतने लोगों को नशा मुक्त किया है। नशे में जो लिप्त लोग थे वो इनकी टीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और जो नशे से जिनका नशा छुड़वाया है आज वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। और वो नशे को कितना भी कोई ऑफर देता है, मेरे ही जान पहचान में बहुत लोग हैं जो उनके यहाँ से ठीक होके गए हैं। मैं सहज संभव की पैट्रन हूँ और 15 साल से सहज संभव में हूँ और भारत तिब्बत समन्वय संघ की प्रांत की अध्यक्ष हूँ और महिला के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। और आज मैंने जो यहाँ देखा है, हर फील्ड से महिला आई थी, हर उनका टैलेंट देखा है, उन ऐसे उनको अवार्ड नहीं देते, हम लोग जाके सर्वे करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है।
कई लेडीज़ ने इतने बच्चों को गांव से मतलब झुग्गी झोपड़ी से पकड़ पकड़ के लाए हैं, उनको पढ़ाया है, उसके बाद उनको बोर्ड के एग्ज़ाम करवाए हैं, तो ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। और कई लेडीज़ हैं जो घर में कपड़े सिलती हैं और गरीबों को जाके दे के आती कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग सिलाए दें, मतलब इस तरह के कई टैलेंट हैं। मैं क्या क्या नाम गिनाऊँ आपको? मैं फाउंडर हूँ क्रिएटिव कैप्टन्स प्राइवेट लिमिटेड की। आकांक्षा डावर जी मेरे साथ हैं, को फाउंडर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। सो बेसिकली जो इवेंट हमने अटेंड किया, ये जो इवेंट था ये नशा मुक्ति के ऊपर था, ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर। अभी हाल ही में हमने अमृतसर में भी कैंपेन किया जो कि काफ़ी ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, जिसमें हम गली गली अमृतसर के अंदर रोड पे घूमा, हमने ये पूरा का पूरा प्रचार किया, प्रमोट किया कि क्यों नशा हमारी देह के लिए, हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा गलत है। और आजकल जो जनरेशन हुई है 2023 की अगर मैं बात करूँ तो यंग जनरेशन पूरी ही नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं रेखा मैम का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करना चाहूँगी। वो इतने सालों से बीइंग अ वुमेन, औरत होते हुए, महिला होते हुए, इतने ही कठिन पथ पे हैं जहाँ पे नशा जो है, देखिए जो एक नशे वाला आदमी होता है उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, और रेखा मैम तो कितने सारे ऐसे आदमियों को संभाल के बैठी हुई हैं जो नशा करते हैं। NBC न्यूज़ के लिए रूपा पंडित की रिपोर्ट।